सुबह टहलने गए बसपा नेता को अज्ञात वाहन ने रौंदा। हादसे में बसपा नेता की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों का हो रहा है रो रोकर बुरा हाल। उदयवीर गौतम पुत्र नथू सिंह बसपा से है अलीगढ़ के मंत्री। परला क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। अयोध्या में बड़ा हादसा। ओवरटेक करने की फिराक में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में दो श्रद्धालुओं की हुई मौत। हादसे में 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से हुए घायल। 25 श्रद्धालु सवार थे ट्रैक्टर ट्रॉली में। ज्ञानगन मेले से वापस लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। इनायत नगर के खड़बड़िया चौराहे के पास हुआ ये पूरा हादसा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद। युवा संडे पर हुआ दर्दनाक हादसा। आनन-फानन में घायलों को इलाज के लिए एमएमजी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। युवा सड्डे पर हुआ ये दर्दनाक हादसा, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गाड़ी को बैक करते वक्त ये हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में दिखा चोरों का आतंक। चोरों से गांव की रखवाली करते हैं ग्रामीण। चोरों को रोकने के लिए मुख्य रास्तों पर लगाया गया बैरियर। खबर लखीमपुर खीरी से निकल के सामने आ रही है, जहां चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों से गांव की रखवाली करते इस दौरान तस्वीरों में आप ग्रामीणों को देख सकते हैं। चोरों को रोकने के लिए मुख्य रास्तों पर बैरियर लगाया गया है। लाठी डंडे से घर के बाहर पहरा देते दिखाई दे रहे हैं सभी ग्रामीण। तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की पुलिस प्रशासन क्या कुछ काम कर रही है या क्या कुछ कार्य कर रही है, जो वहां के लोगों को खुद रात भर उठकर अपने घरों की रखवाली करनी पड़ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप लखीमपुर खीरी से देख रहे हैं। चोरों को रोकने के लिए मुख्य रास्तों पर बैरियर भी लगाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि बीते दिनों चोरों का आतंक देखने को मिला था। लगातार चोरी की खबरें लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जिसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन नहीं जाग रहा है। पुलिस प्रशासन नींद में सोया हुआ है। यही वजह है कि अब ग्रामीणों ने ये फैसला लिया है कि अब वो खुद ही अपने घरों की रखवाली करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर से हमारे संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी में बीते दिनों से ही लगातार चोरी की खबरें आ रही है, तो पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको, लखीमपुर जनपद में इस समय जो चोरी की घटनाएं हैं वो बराबर आए दिन जो वृद्धि हो रही है, घटने का नाम नहीं ले। अगर हम पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो पुलिस के आला अधिकारी है उनसे बराबर बात हो रही है। उनका कहना है कि पुलिस की बाकायदा गश्ती चल रही है, पुलिस गश्त कर रही है, चोरों का पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन अगर ग्रामीणों की हम बात करें तो ग्रामीण अपने आप को पुलिस से असुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा खुद ही गांव में मेन जो रास्ते हैं, मेन चौराहे हैं, उन पे बाकायदा रात में बैरिकेडिंग करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उस पर जो ग्रामीणों के वो एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि ग्रामीण आए दिन परेशान हुए, आए दिन बराबर चोरी की घटनाएं वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस के जो हाथ हैं वो बराबर खाली जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर प्रतिदिन कहीं ना कहीं चोर घटना को अंजाम देते चले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही है। तो इस तरीके से एक जो ग्रामीणों में चर्चा है वो पुलिस पर जरूर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। धीरज, अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि ये मामला पुलिस के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचा होगा, तो उन्होंने क्या इस मामले को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट नहीं मांगी, पुलिस वालों से रिपोर्ट नहीं मांगी कि आखिर वो क्या कर रहे हैं जो ऐसे ग्रामीणों को अपने घरों की रखवाली करनी पड़ रही है? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, अभी ताजा मामला लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र का, जहां पर कई चोरी की घटनाएं, जिसके बाद में जो आला अधिकारियों के द्वारा जो थाना इंचार्ज है
देवेश गंगवार, उनको लाइन हाजिर भी किया गया। उसके बाद में जो थाने का चार्ज जो अवधेश सिंह यादव जी को दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो घटनाएं वो बराबर घटना का जो क्रम है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान जो है पुलिस विभाग पे जरूर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद धीरज तिवारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखीमपुर खीरी में पति ने ससुराल में पत्नी को मारी गोली, पत्नी को गोली मार कर उतारा मौत के घाट। आपसी विवाद में की गई पत्नी की हत्या, सूचना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। हत्याकांड से इलाके में फैली सनसनी। कोला क्षेत्र के मूर्तिहा ढकिया गांव का पूरा मामला खबर लखीमपुर खीरी से सामने बता आपको बताते चले, जहां पर रिश्तों में खूनी खेल देखने को मिला। इस दौरान पति ने ससुराल में पत्नी को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। एक बार फिर इस खबर पर हमारे साथ धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, एक खबर लखीमपुर खीरी से निकल के सामने आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी, तो अभी क्या आरोपी पति गिरफ्तार हो चुका है या अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? जी बिल्कुल, बता दूंगा, लखीमपुर कोतवाली गोला क्षेत्र के मूर्तिहा ढकिया गांव का मामला, जहां पर जो है पति अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल आया हुआ था, लेकिन उनकी जो बात नहीं बन पाई, बात बिगड़ती गई। उसके बाद में रात में पत्नी ने जो पत्नी को गोली मार दी है, अवैध असलहे से गोली मारी गई है। जो जांच के बाद पता चला, वहीं पर जो पति है वो गोली मारने के बाद फरार है, उसकी तलाश जारी। बाकायदा मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया, बाकायदा कामलिंगी की जाए, लेकिन अभी भी जो पति वो हत्या आरोपी जो पति है वो अभी भी फरार चल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद धीरज तिवारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ के पुराने इलाके में निकाला गया फ्लैग मार्च, मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में कई थाना क्षेत्रों में किया गया ये फ्लैग मार्च, पुलिस के साथ कई अधिकारी भी रहे मौजूद। पाठानाला चौकी से लेकर हजरत अब्बास की मजार तक ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में कई थाना क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च किया गया। इस पुलिस के साथ साथ कई अधिकारी भी इस फ्लैग मार्च के दौरान मौजूद रहे। लखनऊ में राज्य कर विभाग को सीएम का निर्देश, फील्ड के अधिकारियों की हो साप्ताहिक समीक्षा। चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर ये कार्रवाई करें, आगे सीएम ने निर्देश दिया कि यूपी में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट कर, चोरों से सख्ती से निपटा जाएगा। व्यापारियों के साथ रखे अच्छा व्यवहार, जोन और टारगेट तय कर होगी साप्ताहिक समीक्षा, महीने के अंत में सीएम देखेंगे जोन वॉर की रिपोर्ट। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, बिजली महोत्सव व ऊर्जा दिवस के अवसर पर होगा कार्यक्रम। केवी परेशर वितरण उपकेंद्र का लोकार्पण व शिलान्यास होगा 11:30 बजे, लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम लखनऊ में होना है, बिजली महोत्सव व ऊर्जा दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम होना है। साथ ही केवी परेशर वितरण उपकेंद्रों का लोकार्पण व शिलान्यास सीएम योगी द्वारा की जाएगा 11:30 बजे, लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। जल शक्ति राज्य मंत्रियों को बांटा गया काम, दिनेश खटिक को मिली बड़ी जिम्मेदारी, रामकेश निषाद को भी सौंपी गई जिम्मेदारी। लोक निर्माण विभाग में भी बांटा गया काम और कई विभागों में भी बांटा गया राज्य मंत्रियों को काम। दिनेश खटिक ने 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था पत्र, शक्ति राज्य मंत्रियों को काम बांटा गया है, दिनेश खटिक को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान रामकेश निषाद को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव। टीम ने मूर्ति नर्सिंग होम पर की छापेमारी। गर्भपात की दवाई देते हुए स्टाफ को रंगे हाथों पकड़ा, डेकोई ग्राहक बनाकर नर्सिंग होम पर भेजा गया था। दवाई देने को लेकर हुआ था 3,000 रुपए में सौदा। दवाई और अन्य सामग्री को टीम ने कब्जे में लिया। लंबे समय से मिल रही थी गर्भपात कराने की सूचना। सेक्टर 4 के नर्सिंग होम का यह पूरा मामला। खबर फरीदाबाद से निकल के सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। टीम ने मूर्ति नर्सिंग होम पर छापा मारा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, जहां पर विभाग ने मूर्ति नर्सिंग होम में छापेमारी की है, तो उस दौरान वहां से क्या कुछ बरामद किया गया? बता दें, स्वास्थ्य विभाग के पास जो लगातार जो सूचना आ रही थी कि गर्भपात लगातार कहीं ना कहीं फरीदाबाद में किया जा रहा है, जिसको लेकर जो सूचना है थी वो मूर्ति नर्सिंग होम है सेक्टर 4 के अंदर, जिसकी सूचना भारी मात्रा में पहुंच रही थी। उन्होंने टीम गठित की और फर्जी ग्राहक बनाकर वहां पर भेजा। जो फर्जी ग्राहक से 3,000 रुपए में बात तय होगी। फिर उन्होंने जो गर्भपात की जो दवाई है वो देनी चालू कर दी और महिला को भर्ती कर लिया था, जिसमें डॉक्टर और मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर डॉक्टर को रंगे हाथ भी गिरफ्तार किया है और आगे की जांच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब इस मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ये मामला अधिकारियों तक भी पहुंचा होगा, तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक अधिकारियों द्वारा की गई इस मामले पर? तुम बता दें, अधिकारी की तरफ से सारे मामले की जांच की जा रही है और जो गर्भपात करने को लेकर जो मामला है वो कहीं ना कहीं दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस की तरफ से भी जो कड़ी कार्रवाई है वो हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ भी की जाएगी। पर जो जिस तरह से गर्भपात जो फरीदाबाद में लगातार कई इस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं, जो उनकी टीम है वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है। लगातार फरीदाबाद में छापेमारी एक के बाद एक की जा रही है। जी धन्यवाद मनोज, इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर। डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आसपास मौजूद लोगों ने इलाज के लिए घायलों को पहुंचाया ट्रॉमा सेंटर। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पारा पुलिस। पारा कोतवाली क्षेत्र के पूर्वी दिन खेड़ा रोड का ये पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है। खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान एक ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचा दिया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं।